सो वेलकम टू गाइज माई नई वीडियो। गाइज आज हम सह्याद्री के सतमाला पर्वतों की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस पे आपको विजिट कराने वाले हैं। तो गाइज हम बात कर रहे हैं एलोरा केव्स के बारे में। और गाइज यहाँ पे विजिट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइज हमने टिकट काउंटर है वहाँ से टोकन खरीद लिए और ये कंपलसरी भी है, इसके बगैर आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो गाइज हमने जो हमारा ग्रुप है हमने सब ने एक एक करके टोकन ले लिए हैं। और इसके बाद गाइज हम टोकन है वो स्कैन करेंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। गाइज कल भी हमने एलोरा केव से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइज 1 से 12 तक के जो केव्स हैं वो बुद्धिज्म से संबंधित है और उसी के बारे में हमने वो वीडियो बनाया है। और उस वीडियो में हमारे साथ गाइड थे, उन्होंने हमको डिटेल में उन केव्स के बारे में जानकारी दी थी। तो गाइज आज हम 13 से 29 तक के जो केव्स उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि हिंदुइज्म से संबंधित है। तो गाइज हम फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम एंट्री करते हैं एंट्री गेट पे बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ पे खड़े पत्थरों में तराशा गया है, आप देख सकते हो। तो गाइज ये जो साइट है ये आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंडर आती है और 1951 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित किया था। और गाइज इस जगह को यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं विजिट करने के लिए और इस जगह को इंडिया में 7th Wonders के नाम से भी जाना जाता है। इन केव्स का मुख्य आकर्षण है ये कैलासा मंदिर और उसी मंदिर के दीवारों पे ये उकेरी गई मूर्तियाँ। ये जो मूर्तियाँ हैं ये टूरिस्ट लोगों का काफ़ी ध्यान आकर्षित करती हैं और कुछ मूर्तियाँ जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। इस साइट का निर्माण 7th Century में किया गया था जो राष्ट्रकूट के राजवंश थे नरेश कृष्णा, उनके द्वारा इस साइट का निर्माण किया गया था। खास तौर पर कैलाशा टेम्पल है वो उनके अंडर में निर्माण किया गया था। हेलो ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? सर्बिया। कैन आई हैव वन पिक्चर प्लीज? कैन यू हैव वन पिक्चर? पिक्चर श्योर, लेट्स डू इट। वन मिनट सर, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। कम। बेटा इमीडिएट डन, थैंक यू। सामने जो दृश्य देख रहे हो संपूर्ण रामायण का दृश्य है, यहाँ पे पत्थर पे इसको उकेरा गया है। हेलो गाइस, कौन सी चैनल है? कौन सी चैनल? अनिल गावित ब्लॉग। अनिल गावित ब्लॉग। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, ये अब योग्य दोबारा चाइन है पत्थर में कर रहे हैं। इन केव्स का निर्माण जो है वो 5th Century से स्टार्ट होके 10th Century तक कंटिन्यू चला था, यानी कि इस केव्स के निर्माण में 5 दशक लग गए। हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाइस जी। हमको यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले हैं, देख सकते हो। हाय कर दो एक बार। हाय। आपका चैनल क्या है? अनिल गावित ब्लॉग। सर्च मारो तो सर्च मारो, सर्च मारो। कैमरा है ये? कितने का आता है कैमरा? 45,000। अनिल गावित GAVIT। हाँ, अनिल गावित ब्लॉग। थैंक यू।
इन केज में हम थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं और सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक सुंदर सी गैलरी बनी हुई दिखाई देगी। तो इस गैलरी को देख के हम सोच सकते हैं कि तब के लोग कितने दूरदर्शी रहे होंगे। इस जगह का निर्माण ऊपर से नीचे तक किया गया है, पूरी पहाड़ी को ऊपर से काट के इस केव्स को बनाया गया है और ये भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। ये है इस केव्स का अंदर का नज़ारा और आपको इस केव्स का बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये है बाहर का नज़ारा गाइज, और इसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन केव्स पे विजिट कर रहे हैं तो बाहर का आपको मैप की सुविधा दी गई है, उस मैप को आप फॉलो करके अपना टूर आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे एक उखली टाइप की एक आकृति बनाई गई है, शायद ये धान पीसने की जगह होगी, उस समय यहाँ लोग धान पीसते होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पेड़ से जो उखली चलाते हैं ना, सेम वैसा स्ट्रक्चर है। ड्रेनेज सिस्टम ने और यहाँ से हम सीढ़ियों से होके नीचे उतरते हैं तब यहाँ पे एक पानी स्टोर करने के लिए कुआं बनाया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अंधेरा है, आपको ठीक से नहीं दिखेगा अंदर का नज़ारा। आपका नाम क्या है? व्यास कुमार। हाँ, व्यास कुमार। व्यास कुमार, अच्छा अच्छा। गाइस जी, हमको यहाँ पे न्यू प्रोसेस मिले हैं। आप कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से, ओके। थैंक यू। हेलो, हाय, गिरा देगा, गिरा देगा। दीजिए, बाय बाय हो गया अभी। बाय बाय हो गया। कैमरा दे दीजिए। कैमरा दे दो। ओके ओके अंकल। ओके। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर दिया है। यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से। ओके। तो गाइज, इस खूबसूरत जगह पे आप ज़रूर विजिट करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर ले। गाइज, मिलेंगे हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।